धारा 370 के हटने के बाद पाकिस्तान ने भारत से व्यापारिक रिश्ते खत्म कर लिए हैं, लेकिन व्यापारिक समझौते तोड़ने के बाद पाकिस्तान टमाटर के लिए तरसने लगा। मांग पूरी नहीं होने की वजह से कंगाल पाकिस्तान के बाजार में 300 रुपए किलो टमाटर बिक रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि पाकिस्तान में मध्य प्रदेश से टमाटर की सप्लाई होती है। मध्य प्रदेश का टमाटर खाकर ही पाकिस्तान लाल होता है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान में 300 रुपए किलो टमाटर बिक रहे हैं। पाकिस्तान अब टमाटर के लिए तरस रहा है। पुलवामा हमले के दौरान भी पाकिस्तान को मध्य प्रदेश के किसानों ने सबक सिखाया था। मध्य प्रदेश के जिन जिलों में सबसे ज्यादा टमाटर का उत्पादन होता है, वहां के किसानों ने पाकिस्तान को टमाटर भेजने से इनकार कर दिया था। उन किसानों के इस फैसले का स्वागत मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने भी किया था। सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा था कि पुलवामा हादसे व आतंकी घटनाओं के विरोध में झाबुआ जिले के पेटलाबाद तहसील के किसान भाइयों द्वारा अपने मुनाफे की परवाह न कर पाकिस्तान टमाटर नहीं भेजने के निर्णय को सलाम करता हूं। देशभक्ति से भरे इस जज्बे की प्रशंसा करता हूं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में टमाटर का खूब उत्पादन होता है। यहां की मंडियों से यह टमाटर दिल्ली और मुंबई जाता है, उसके बाद वहां से पाकिस्तान पहुँचता है। राज्य के रतलाम, झाबुआ, खरगोन, साजापुर और धार जिले में टमाटर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। इन्हीं जिलों का टमाटर पाकिस्तान पहुंचता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार व्यापारिक संबंध टूटने के बाद भारत से टमाटर की सप्लाई पाकिस्तान में नहीं हो रही है। पहले हर दिन करीब 50 से 100 ट्रक टमाटर पाकिस्तान जाता था। पाकिस्तान के लोगों को मध्य प्रदेश के पेटलाबाद का टमाटर सबसे ज़्यादा पसंद है। यहाँ टमाटर की अच्छी उत्पादन होती है। यहाँ के टमाटर चटक लाल रंग के होते हैं। इन टमाटर के खट्टे मीठे स्वाद की वजह से इसे पाकिस्तान में खूब पसंद किया जाता है। एक टमाटर का वजन 50 से 150 ग्राम तक का होता है, साथ ही दूसरे जगह के लिए ये अनुकूल भी होता है। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के पेटलाबाद से टमाटर पहले दिल्ली मंडी पहुंचता है, यहां से पठानकोट के रास्ते ट्रक से पाकिस्तान भेजा जाता है, लेकिन अभी वहां हिंदुस्तान से टमाटर की सप्लाई नहीं हो रही है। अगर ज़्यादा दिनों तक टमाटर वहां नहीं पहुंचा तो पाकिस्तान टमाटर खाने के लिए तरसेगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान को तो हिंदुस्तानी टमाटरों ने ही मार डाला, ऐसे में आप पाकिस्तान को क्या जवाब देना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें।